छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों में से 3 चरण में चुनाव होना है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा सीट से मतदान होगा। बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा चाक चौबंद के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में प्रत्याशियों के लिए प्रचार बड़ी चुनौती है। कैसी चुनौती है प्रचार को लेकर, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सली बस्तर में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। आईबी ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस को इस मौके पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में घोर नक्सल क्षेत्र में प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना बड़ी चुनौती है। अंदरूनी क्षेत्रों में प्रचार को लेकर प्रत्याशियों के मन में भय बना हुआ है। चुनाव आयोग और बस्तर पुलिस ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव प्रचार की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दे दी गई है। बीजेपी का कहना है कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में प्रचार करना आसान नहीं है। इस मामले में चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन भी गंभीर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रत्याशियों को उचित सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। देखिए, निश्चित रूप से नक्सली क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में प्रचार करना कोई एकदम आसान नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस तरीके से जो हमारे सीआरपीएफ और सैनिक बल हैं और चुनाव आयोग इसको बड़ी गंभीरता के साथ में लेकर, जैसा आपने देखा कि 11 में से केवल एक बस्तर लोकसभा को ही प्रथम चरण में लिया जा रहा है, अर्थात पूरे दल बल के साथ में वहां पर एक व्यवस्था बनाई जाएगी, इस बात का विश्वास है और आम नागरिकों की हितों के अनुरूप ही वहां पर मतदान कराने में सब लोग सफल होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रचार प्रसार का काम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रत्याशियों को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए और उनको प्रचार प्रसार का पूरा अवसर मिले, इसके लिए काम निर्वाचन आयोग को भी करना चाहिए, सरकार को भी करना चाहिए। बस्तर का चुनावी रण किसी युद्ध से कम नहीं है। यहाँ प्रचार से लेकर मतदान तक नक्सलियों का खौफ बना रहता है। चुनाव से पहले केंद्रीय सुरक्षा बल को बस्तर के अंदरूनी इलाकों में मोर्चा संभालना पड़ता है, उसके बाद भी नक्सली घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस और प्रशासन बस्तर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में कितने सफल हो पाते हैं। रायपुर से स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट, INS 24/7।